हाँ जी, अभी ये हो गया हमारा इनका औजारों का काम। अभी हम आपको ये दूसरे औजारों के बारे में थोड़ा सी वजारत करना चाहते हैं। कहने को तो ये भी स्क्रू ड्राइवर है, 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 ये भी स्क्रू ड्राइवर है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 6 ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा होते हैं मज़ीद और भी, वो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है जी, मेन यानी कि जो कार के बंटर में जो यूज़ होते हैं, जिनकी मेन ज़रूरत है वो ये चीज़ है। अब मैं आपको इनके बारे में तफसील बताना चाहूँगा कि ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम, ये किस काम, ये किस काम। ठीक है जी, ये है हमारा स्क्रू ड्राइवर तकरीबन फुल साइज़ का। इसको देखिए, इसकी लगभग तकरीबन 1.5 फुट के करीब है। ठीक है जी, ये स्क्रू हमारे सबसे बड़ा स्क्रू कारपेंट्री में कहलवाता है। इससे हम तकरीबन 5 इंच से लेके 5 इंची, 4 इंची, 3 इंची, 2.5 तक इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसकी लेंथ ये है स्क्रू की, और ये स्क्रू इसके अंदर ऐसे जाता है आराम से, ये ऐसे हो गया। अब हमने इसको स्क्रू को अगर टाइट करना है तो इसके मेन बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको ज़रा तवज्जो से देखनी है। उसकी वजह यह है कि ये हम इसका रखने का तरीका मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इसको जैसे सीधा रखेंगे तो स्क्रू आराम से ऐसे टाइट होता चला जाएगा। अगर हमने इसको ज़रा सा ऐसे टेढ़ा किया, या जैसा कि इसको हमने ऐसा टेढ़ा किया, चाहे ऐसा संभले, दाएं बाएं ऐसा संभले, तो टेढ़ा करेंगे ना स्लिप होगा। देखना ज़रा, स्लिप आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये स्लिप, ये जो स्लिप होगा ना, इससे इसका मुँह स्क्रू का ख़राब होगा, क्योंकि स्क्रू है लंबा और इसकी ये जो गेप है स्क्रू के लिए दिया हुआ है, इसको काबू करने के लिए मेन चीज़ आपको मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, स्क्रू का सीधा होना ज़रूरी है। अब हमने इसको सीधा रखा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जैसे कि कहीं हमने इसको लकड़ी में टाइट करना है, ऐसे ही टाइट हो गया। इसको किया किया किया, ये तकरीबन, अगर हमने इसको सीधा ही रखना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सीधा रखेंगे स्क्रू भी आराम से जाएगा और स्क्रू सीधा होगा और ये इसकी सर भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी, इससे हम ये इससे बड़ा इतना बड़ा स्क्रू 4 इंच से लेके 5 तक 6 तक इसको हम टाइट कर सकते हैं। लेकिन इसको टाइट करने के लिए थोड़ी सी जरूरत की ज़रूरत होती है। जाहिर है, कोई काम भी हो वजनी काम के लिए तो आपको पता है कि जोर लगता है, क्योंकि ये हम लकड़ी ठोकते नहीं है, इसको हम टाइट करते हैं, इसकी जगह टाइट करने के लिए दी हुई है। स्क्रू ड्राइवर का ये काम है। इससे हम इससे छोटा स्क्रू ड्राइवर भी ये है हमारे पास, ये देखीजिएगा, ये भी हम इससे टाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इसका काम, ये आपका पहले नंबर स्क्रू ड्राइवर का काम। अब आप ये आ गया स्क्रू ड्राइवर 4 मुंह का, इसका मुंह बोलते हैं 4 मुंह, आगे से होते हैं इसके, देखिए 4 मुंह। ये किस स्क्रू के काम आता है? ये हमारे पास स्क्रू है स्टील का, स्टील बोलते हैं इसको, पीतल। इसमें ना तो जंग लगता है, ना तो जंगाल लगता है, और इसको जैसा आज टाइट करोगे, कल को, 10 साल बाद, 5 साल बाद इसको ऐसा ही खोल सकते हैं। ये देखिए जी का, इसका भी 4 निशान बने हुए हैं और इसके आगे भी 4 निशान बने हुए हैं। ठीक है जी, ये अब हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे। ये स्क्रू ऐसे हमने लकड़ी में रखा और इसको ऐसे करके ये देखिएगा, ये खांचा नज़र आ रहा है ना आपको जी। ये हमने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, लकड़ी में हमने इसको टाइट कर दिया। ठीक है, तो ये स्क्रू ड्राइवर है। तो इसमें भी जैसा कि मैं पहले रिपीट कर गया हूँ दूसरे वाले में, वो इसको भी हमने ऐसा नहीं करना टेढ़ा। ये देखिए, बोल सके मुझसे टेढ़ा हो भी नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि ये इसके अंदर ग्रिप में आ चुका है। अगर ये हम ग्रिप में दे के इसको टेढ़ा करेंगे तो उससे ये इसकी ग्रिप ख़राब हो जाएगी और पेचकस का मुंह भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने सीधा ग्रिप में देना है, ये सीधी इसकी ग्रिप है। इसको आराम आराम से जब सीधा ग्रिप में होगा और इसका बैलेंस जब दाएं बाएं आएँ सब बिल्कुल एक लेवल में होगा, तो ये आराम से टाइट होगा, आपको किसी किस्म की भी कोई तंगी इसमें नहीं होगी। ठीक है जी, ये स्क्रू ड्राइवर है, और इससे बड़े को भी टाइट कर सकता है स्क्रू को। ये तकरीबन ये है 1 इंच का, तो 1/4 इंच तक ये स्क्रू ड्राइवर इसको काम कर सकता है। अगर पेंच इससे बड़ा हो और ये यही स्क्रू ड्राइवर हो तो इससे टाइट नहीं होगा। स्क्रू ड्राइवर तकरीबन 2 इंच का होगा, 2.5 इंच का होगा, तो स्क्रू ड्राइवर भी इसकी तरह फिर बड़ा होगा, इस साइज़ का होगा। लेकिन उसमें फिर उसका मुंह भी 4 होंगे, जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 4, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है, फिर इसका भी मुंह इसकी तरह होगा, ये बड़े स्क्रू के लिए। तो ये काम आता है हमारे इस स्क्रू के लिए। ठीक है जी, जैसा मैंने बताया, सीधा करो, आराम से इसको ऐसे रखो और ये लकड़ी में इसको
टाइट कर दो बिल्कुल सीधा। ये देखो घूम रहा है ना ये, लेकिन जब लकड़ी में जाएगा तो बिल्कुल सीधा। अगर हमने इसको ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया या ऐसा किया, इससे ये तकरीबन इसकी ग्रिप ख़राब हो जाएगी, इसका मुंह भी ख़राब हो जाएगा। ये काम करना तो हर आदमी का एक पेशा है, ज़ाहिर है कारपेंट्री का काम करता है उसको अपना पेशा तो पेशा ही है, लेकिन इसके साथ साथ औजार बचाने भी ज़रूरी हैं। औजार में इसलिए नहीं कह रहा कि पैसा खर्च होता है, नहीं, ये कारीगरी में आता है, ये कारीगरी में आता है, शहूर में आता है, काम के तरीके में आता है कि कौन सा काम किस तरीके का। अब ये आम कारपेंटर को आप दीजिएगा, दो दिन में इसका मुंह भी ख़राब होगा, लेकिन ये एक कारीगरी में है इसका मकसद। आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा कभी, ये मैं आपको किसी दूसरी जहन से बता रहा हूँ, इस जहन से बता रहा हूँ, ये कारीगरी के अंदर आता है। औजार को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना वो भी एक कारीगरी है, कारपेंट्री का हिस्सा है। अगर औजार जो कारपेंटर उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा, दो दिन करेगा, तीन दिन करेगा, चार दिन करेगा, लेकिन उसके बाद वो काम उसको औजार वो काम नहीं दे पाएगा, ठीक है जी। इसको हम रखते हैं, ये हमने इसको रख दिया। अब ये इसका है, देखिएगा, ये हमने ये इसका है, ठीक है जी, ये इसकी ग्रिप देखिएगा, ये इसकी ग्रिप है। अब हम चलते हैं ये दूसरा स्क्रू ड्राइवर, ये भी तकरीबन चार मुँह का है, लेकिन ये इससे छोटा है। अब इससे छोटा क्यों है वो हम इसके बारे में आपको तफसील बताना चाहेंगे। ये पेंच देखिएगा, ये पेंच बड़ा है, ये पेंच छोटा है। छोटे के लिए हमने ये ग्रिप वाला छोटा स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है, वही बात आ गई, इसका ग्रिप छोटा है, इसका भी मुंह छोटा है। ये इसके अंदर ऐसे आराम से सीधा रखा, ये देखिएगा आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हवा भर भी गुंजाइश नहीं है। ये देखिएगा स्क्रू खुद पर खुद एक दूसरे के सीध में आया हुआ है, वरना ऐसे इसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना इधर लकड़ी है ना इधर लकड़ी है। स्क्रू ड्राइवर जो पूरा बिल्कुल इसकी ग्रिप में आके आपके सामने बिल्कुल तरीके से ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। इसकी ये चीज़ ज़रूरी है, अगर मैं इसको ज़रा सा टेढ़ा करूँगा तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये फिर रुकेगा नहीं। देखो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊँगा, इसकी ग्रिप खुद पर खुद सीधा बताती है, लेकिन ये हम सीधा रखेंगे तो खुद सीधा। ये देखें पहले की, ठीक है जी, ये है छोटा, ये छोटा है स्क्रू ड्राइवर, ये पेचकस भी छोटा है, ये तकरीबन इससे बड़े पेंच इस तक भी काम आता है। ये भी स्क्रू ड्राइवर है, चार इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, स्टील के हैं, तकरीबन हम सारा स्टील इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन चीज़ एक आम क्वालिटी का होता है। ये हमने ये भी ग्रिप इसमें आता है, ग्रिप में आता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे इसकी ग्रिप, इसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज़ है, ये देख रहे हैं ना, वो छोटा पेंच था छोटे के लिए ज़ाहिर पर, लेकिन ये इसमें चल सकता है। ये देखिए वो चीज़ नहीं है जो वो आपकी ग्रिप सीधी नज़र आ रही थी, इसको हमको यहाँ से ज़रा पकड़ना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि लकड़ी में अभी नहीं है, अगर लकड़ी में होगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा। तो ये वो हमने आपको ऐसे पकड़ के दिखाया था, वो सीधा था, लेकिन ये आप देख रहे हो ये टेढ़ा है। उसकी वजह क्या है, ग्रिप की, वो बना इसके लिए है, इसकी ग्रिप ये देखिएगा बिल्कुल सीधा है, खुद ही देख लीजिएगा। फिर ये हमने छोटा रख दिया, फिर हमने ये बड़ा रखा, ज़ाहिर है जो चीज़ जिस काम के लिए है वो चीज़ उसी काम के इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, वरना इससे भी हम कर सकते थे इसको, लेकिन इसका मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा है, और ये स्क्रू ड्राइवर भी छोटा है, लेकिन ये इसमें चल सकता है, ठीक है जी। ये हमने इसमें आपको दिखाया, ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये तकरीबन पेंच कर हार्ड होना ज़रूरी है, हार्ड मैंने सख्त, नरम होगा दो तीन पेंच ऐड करेगा उससे जो है ना इसका मुँह भी ख़राब हो जाएगा, पेंच का मुँह भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको अब रखते हैं, हम तलते हैं तीसरे स्क्रू ड्राइवर पर, ये आ गया, हमने इसको रख दिया। ये हैं छोटे स्क्रू ड्राइवर, ये जैसा कि हमने आपको बताया बड़े के छोटा, बड़े का छोटा, जैसे इसका बताया चार ग्रिप वाले का, ये है बड़े का छोटा, इसको भी बोलते हैं पेचकस। तकरीबन इसकी हाइट है एक इंची और आठ इंच के करीब। ये पेंच दीजिएगा, ये लोकल पेंच है आदमजी वालों का, लेकिन लोकल का मकसद ये नहीं कि ख़राब है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये यूज़ होता है, स्टील नहीं है ये, लोहा है। इसके लिए अब हम आपको दिखाना चाहते हैं इनकी दोनों की ग्रिप आपस में एक जैसी है, ये देखिएगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखना ये इसकी ग्रिप है, ये ग्रिप में आ गया। वही जैसा कि पहले से हम बताते आ रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर का ख़ास कामयाब तरीका लेना है तो उसका सीधा रखना ज़रूरी है, चाहे इसको ऐसे करोगे या ऐसा करोगे या ऐसा करोगे, स्क्रू भी टेढ़ा होगा और इसकी ये अंदर की जो इसकी जगह बनाई है स्क्रू की ग्रिप, ये भी ख़राब होगी और पेचकस का मुंह भी ख़राब होगा। तो इसको हम आपको तीसरे स्क्रू ड्राइवर बताना चाहते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये तकरीबन पौन इंच का पेंच है, तो ये हम इसको इससे बड़ा पेंच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इससे बड़ा तकरीबन हमारे पास एक इंची, डेढ़ इंची, सवा इंच तक इससे हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसी साइज़ का ये छोटा है, जैसे कि
चार ग्रिप वालों का मैंने आपको पहले बताया, ये इसका छोटा है, ये इसका छोटा है, ये आता है छोटे पेंच के काम। जैसे ये हमने बताया, ये वही चीज़ आ गई, इसमें ग्रिप ज़्यादा है चौड़ाई में, इसका मुंह छोटा है, लेकिन इसके साथ का छोटा पेंच होता है, ये हम उस पेंच में लगाने के इसको कामयाब रखते हैं। ठीक है जी, ये दोनों। लेकिन पेंच लगाने से पहले बेहतर तो ये है कि आप इसमें हल्की सी, मेन बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जरा सी घड़ी से लगा लें। ये लोकल पेंच है, लोहा है, लोहे में ज़ाहिर जंग लगता है, जब ये लकड़ी के अंदर जाता है और फिर उसके बाद इसमें पानी लगता है, पानी लगने से जंग लगता है, जंग से ये लकड़ी भी फूलती है और ये इसका जंग जो होता है ना वो भी फूलता है। उसके फूलने से तो ये जो है ना, ये तो लकड़ी के अंदर होता है जाके फूल जाता है, तो बाहर होती है ये चीज़। ये तो लोहा है, लोहा पानी लगेगा ज़ाहिर गल जाएगा, जंग हो जाएगा। जब हम इसको खोलते हैं ना तो खोलने में हमें इसको बहुत तंगी होती है, ये स्लिप हो जाता है, स्लिप हो गई, ये टूट जाता है या इसका सर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ग्रीस लगाना इसलिए ज़रूरी है, हमने इसको ग्रीस लगाएंगे तो पानी लगेगा तो जंगाल नहीं लगेगा, जंगाल लगेगा तो नरम रहेगा, नरम मैंने इतना नरम नहीं रहेगा खुल के गिर जाएगा, अपना काम करेगा लेकिन दोबारा खोलने के काम आएगा। ग्रीस लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये अब हमने इसका आपको बता दिया पेचकस, अपना दूसरे पेंच के चौथे पेंच कस के बारे में, इसको बोलते हैं पेंचकस भी बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, जैसा कोई जैसी ज़ुबान समझता हो, जैसे उस्ताद ने जैसे अपने शागिर्द को जो चीज़ बताई हो, ज़ाहिर है वो एक एक चीज़ के चार पांच नाम होते हैं, कोई किस तरीके से लेता है, लेकिन मेन इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं आजकल के दौर में। ठीक है जी, ये हो गया चार पाँच, सॉरी 1 2 3 4 5, ये हमने 5 स्क्रू ड्राइवर के आपके बारे में ये नट बोल्ट भी रखे हैं, इसके बारे में बताए। तो फिर ये छोटा पेचकस ऐसे का काम है, ये छोटा पेचकस भी तो कहने में आता है पेचकस। ठीक है जी, इससे हम काम ये भी ले सकते हैं जैसा कि हमने पहले आपको इसमें बताया, इसकी ग्रिप भी, लेकिन इसकी ग्रिप भी वही है, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन हम बताना चाहेंगे यहाँ ये यूज़ हो सकता है। ये चीज़ है एक स्पेशल स्क्रू ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा है, खूबसूरत भी है, लेकिन इसका काम ये नहीं कि छोटा काम करता है, काम ये बड़ा भी कर सकता है, क्योंकि बड़े जितना इसका मुंह है, ये देख लीजिएगा। सिर्फ उसकी वजह ये है कि कहीं जगह अड़ास की होती है, अड़ास मैंने जगह में जगह नहीं होती स्क्रू ड्राइवर घुमाने की या उसके अंदर डाल के काम करने की, तो ये स्क्रू ड्राइवर हमारे वहाँ काम आता है कि हमने स्क्रू लगाया और जगह छोटी सी है, ये मेरा हाथ डल गया, ये मेरा हाथ यहाँ इस पर डल गया, अब ये जगह और अब ये जगह देख लीजिएगा, तकरीबन ये 5 इंच के 6 इंच के करीब बनती है। ज़ाहिर अब ये स्क्रू ड्राइवर जो होगा ये तो उसके अंदर नहीं जाएगा ना, ना उसके अंदर जाएगा, ना ये टाइट हो सकेगा, जगह ही नहीं है। ये है 1.5 फुट का, ये है तकरीबन मेरे हाथ के साथ 6 इंच का, यहाँ भी काम आता है मेन। लेकिन इससे एक हम और मेन काम लेते हैं जो कि आज आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन कई लोग तो यही बता देंगे कि भाई इसी काम आ जाता है, लेकिन असल ये जो का है ना वो तो हम इसको भी छोटा कर सकते हैं और भी कर, ये मेन चीज़ बना है।